बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम तमाम दोस्त, कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। आप देख रहे हैं महमूदिया ट्रैवल एंड टूर के यूट्यूब चैनल में आपका मेज़बान मोहम्मद शाहिद इकबाल अपने चैनल में वेलकम और शामदीद कहता हूं। दोस्तों, इंग्लैंड से बड़ी न्यूज़ आ गई है वैक्सीन से मुतलिक। बच्चों को वैक्सीन लगाए नहीं तो हालात ख़राब होंगे। इंग्लैंड 16 और 17 साल वालों के लिए अहम खबर जारी कर दिया है। दोस्तों, इससे पहले भी न्यूज़ शेयर कर चुके हैं लेकिन लोगों ने इसको सीरियस नहीं लिया। इस न्यूज़ का लिंक भी हम डिस्क्रिप्शन से देंगे, आप वहाँ से इस न्यूज़ को जाकर रीड भी कर सकते हैं। उससे पहले आप लोगों से छोटी सी गुजारिश है कि वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो तमाम दोस्तों में शेयर ज़रूर करें। दोस्तों, रिपोर्ट के मुताबिक बताया जा रहा है कि इंग्लैंड में 16 और 17 साल के बच्चों को 23 अगस्त तक कोविड-19 वैक्सीन दी जाएगी। रिपोर्ट के मुताबिक हुकूमत ने कहा है कि इंग्लैंड में 16 और 17 साल के तमाम बच्चों को अपनी पहली कोरोना वायरस वैक्सीन की पहली खुराक 23 अगस्त तक बुक करवाने का मौका दिया जाएगा। वज़ीर सेहत ने कहा है कि इस तारीख तक वैक्सीन की पेशकश से नौजवानों को अगले महीने स्कूल या कॉलेज शुरू करने से पहले वबा से कुछ तहफ़ मिल सकेगा। NHS इंग्लैंड की तरफ से वॉक एंड साइट फाइंडर ऑनलाइन स्कीम शुरू की जा रही है ताकि लोगों को इनके करीबी वैक्सीन सेंटर का पता लगाने में मदद मिले, और समर के नौजवानों को इस महीने के शुरू में सबसे पहले वैक्सीन की पेशकश की गई थी, लेकिन बड़ी उम्र के ग्रुपों के बरक्स दूसरी खुराक का शेड्यूल नहीं किया जा रहा। महकमा सेहत ने बताया कि 16 और 17 साल की उम्र के अफराद को जो है टैक्स या लेटर के ज़रिए वैक्सीन के लिए मदऊ किया जाएगा या फिर GP के ज़रिए मुलाकात या वॉक इन सेंटर में वैक्सीन लगवाने का मौका फ्राहम किया जाएगा। वेल्स में भी दावतनामे भेजे जा रहे हैं, जबकि शुमारी आयरलैंड में वॉक इन सेंटर अब बड़े नंबर के लिए खुले हैं और स्कॉटलैंड में वो खुद को ऑनलाइन रजिस्टर करवा सकते हैं। 16 और 17 साल की उम्र के लाखों अफराद पहले ही पहले खुराक ले चुके हैं और इसे 23 अगस्त तक मुकम्मल करने का मतलब ये होगा कि नई मदद के शुरू होने से पहले इनके लिए इस्तिस्ना पैदा करने के 2 हफ्ते बाकी हैं। 12 से 15 साल की उम्र के वो लोग जो तिब्बी लिहाज से कमज़ोर हैं या दूसरों के साथ रहते हैं जिसमें कोरोना वायरस से शदीद बीमार होने का ख़तरा बढ़ता है, तो इस तारीख तक उन्हें अपनी वैक्सीन के लिए मदद किया जा रहा है। तो तमाम लोगों को ये वैक्सीन लगानी होगी जिनकी उम्र 16-17 साल है। जो अगले 3 माह में 18 साल के होने वाले हैं वो नेशनल बुकिंग सर्विस या 119 पर कॉल करके ऑनलाइन अपॉइंटमेंट हासिल कर सकते हैं। मजीद बताया जा रहा है कि 17 साल की उम्र के बच्चों को टीके लगाने से अगले 3 साल में तलीमी रुकावट को कम करने में मदद मिलेगी। तमाम उन्होंने कहा कि स्कूलों में इजाफी वासी इकदाम की ज़रूरत है, जबकि हुकूमत का कहना है कि वैक्सीन तकरीबन 84,600 जानें बचाई हैं। हफ्ते का अदाद शुमार से पता चलता है कि तकरीबन 47,25,43,999 अफराद को पहली खुराक दी जा चुकी है। दोस्तों, ये थी अहम अपडेट। अगर वैक्सीन नहीं लगवाई तो मज़ीद हालात ख़राब हो सकते हैं और स्कूल जाने नहीं देंगे। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट से। अल्लाह हाफिज़।